विकास का एजेंडा कहकर के आए थे, कुर्सी मिलते एजेंडे के विकास में लग गए। और सवाल खड़े करो तो जूता निकालते। कई तो भक्ति इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। भक्त तो आप जानते हो ना, जिसके आंखें तो होती है लेकिन दृष्टि नहीं होती, वो अंध भक्ति में इतना डूबा रहता है कि हर पत्थर को देवता मानता है। वो एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहा था, तो किसी ने उसको समझाया, बोले भाई अकल से काम ले, जो कि नहीं थी। बोले जिसको तुम देवता समझ रहे हो वो माइलस्टोन है, वो अंध भक्ति में डूबा था। बोले नहीं, ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया है कि दिल्ली 250 किलोमीटर। अरे वाह, जिंदाबाद, क्या बात, क्या बात है। ये नौजवान दोस्त बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, अपने परिवार के और छोटे बच्चों को समझाओ कि ये सोशल मीडिया पे इस तरह का काम है, ये आपका समय श्रम और बुद्धि को नष्ट कर रहा है, इससे कुछ हासिल नहीं होने जाने वाला है। दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, आप रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते। बहुत मुद्दों की बात करो, रोजगार की बात करो, सद्भाव की बात करो, महंगाई और भ्रष्टाचार पर बात करो, ये उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए इस तरह के शोशेबाजी की जाती है। अभी जैसे धारा 370 का मसला था, मुझसे भी लोगों ने पूछा, ये मेरे व्यक्तिगत मत बता रहा हूँ, बोले जी 370 पर, मैंने कहा मूल्यांकन समय करता है, आज हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे, बैंड तो हमारी शादी में भी बहुत जोरदार बजा था। अभी एनआरसी का मसला है, मैं समझता हूँ कि अगर वो शरणार्थी हैं चाहे घुसपैठिए हैं, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव इस देश की हजारों साल की परंपराओं के विरुद्ध है, न सिर्फ लोकतंत्र और संविधान के विरुद्ध है, हजारों साल की भारतीयता के विरुद्ध है। ये सारी चीजें जो आया है वो सबका है, और ये धर्म के झगड़े भी नहीं है, इतिहास के नाम पे लड़ाते हैं। महाराणा प्रताप का मुख्य सेनापति हाकिम का पठान था, क्या बात है, और अकबर का मुख्य सेनापति राजा मानसिंह थे। वाह, बहुत, वो सब साम्राज्यवाद के झगड़े थे, धर्म भी उसमें एक फैक्टर हो सकता है, तो मोहब्बत से काम लेना चाहिए, समय की अपनी सीमाएं हैं। और मैं एक रचना आपको नई सुनाता हूं, जो एक दो जगह सुनाई है, अगर अच्छा सुन लिया तो फिर और कोशिश करेंगे दो चार मिनट सुनाने की, लेकिन ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है चीजें भी बदलेंगी। जैसे आज मैं जयपुर से आया, 12 घंटे लगे, डॉक्टर कुमार विश्वास को फ्लाइट से आना पड़ा, उसमें भी 2.5-3 घंटे लगते हैं। ये चीजें हल हो जाएंगी जब बुलेट ट्रेन चल जाएगी। और हम तो सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन का किराया भी कम होगा और वो सवारियां लेने भी घर घर जाएगी। और गुजराती दिमाग लगाया प्रधानमंत्री ने, जापान के प्रधानमंत्री से बुलेट ट्रेन के लिए कर्जा भी 50 साल के लिए मांगा है। वो जानते हैं 50 साल बाद ने देने वाले बचेंगे ने लेने वाले बचेंगे। और इसी शहर के शरद जोशी जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, हम भारतीयों को वह व्यक्ति उधार दे जिसका पुनर्जन्म में विश्वास हो। भाई दिवे 50 साल बाद किसी जापानी को अपना कर्जा याद रह गया तो वो जैसे ही मांगने बंबई उतरेगा, अपन उन्हीं की बुलेट ट्रेन में बैठ के अहमदाबाद निकल लेंगे। और अगले ने साफ कह दिया है शिंजो आबे को कि भैया कोई सवारियां नहीं बिठानी है, ये चुनावी रेल है, इसलिए फटाफट चला, भले पटरी वटरी बाद में बिछाते रहना। दरअसल ये लोग चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं लेकिन मुंह हिंद महासागर की तरफ। 2015 में आए थे शिंजो आबे तो मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के समझौते पे हस्ताक्षर किए दिल्ली में, और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई, और भरपूर समर्थन करना व्यंग तक पहुंच जाओ तो। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे बोले, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला। सोशल मीडिया ने भी उधम मचा रखा है, ऐसा नहीं लगता कि हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अब लगता है जैसे वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। निदा फाजली साहब की 2 पंक्तियां हैं, उनमें अगर शेर थोड़ा इधर उधर करूं तो कहना चाहता हूं
कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटा कर देखो। वाह, मैं बधाई देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश शासन को कि इस अवसर के बहाने आपने इतने लोगों को घरों से निकाला, वरना तो सब उसी में लगे रहते। घरों से निकलिए, प्रजातंत्र के जो मुख्य उद्देश्य हैं और जो मूल्य हैं उनको पहचानिए, अड्डेबाजी कीजिए, एक दूसरे से मिलिए, क्योंकि आदमी लैंग्वेज से सीखता है, उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से। बहुत अच्छा, बहुत। पता नहीं से सोशल मीडिया क्यों कहते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली। आए है, आए है, क्या बात है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वह भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में सोवीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं। टेक्नोलॉजी से फॉर्मेट बदला है, पाखंड वही है। आए हाय, वाह क्या बात है। पहले देवी देवताओं के 16 पोस्ट कार्ड लिखते थे, आजकल देवी देवता का फोटो डाल करके 16 शेयर मांगते। अपनी समस्या से संबंधित कोई भी देवी देवता गूगल से डाउनलोड करो, अपनी मनोकामना लिख करके सोशल मीडिया पे छोड़ दो, घंटे आध घंटे में तो ऐसा वायरल होगा कि आपका देवी देवता नई मनोकामना के साथ आप ही के पास आ जाए। और एक आ गई है सेल्फी, क्या आत्ममुग्धता का दौर है साहब, कैमरे का फ्रेम दिखते आदमी जिराफ हो जाता। मैं तो देखता हूं कई महिलाएं हर 10-15-20 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती है। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए हों। और अब आपकी तालियां उठेंगी, कितने धोखे का संसार है। वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई, बड़ा धोखा हुआ, जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकले। और कुछ नहीं करना, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खुलवा। बहुत अच्छा। बाकी तीन जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया का फायदा भी है, एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है जो अपने साथ ले जाना जीवन में बड़ा काम आएगा, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। बहुत अच्छे संपत्ति। किताबें पढ़िए, शब्दों की तरफ लौटिए, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल कर लिए। दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है एडवांस, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। हाँ बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। उजाला बनाया जाता है, धूप। एक रचना मैं आज इन कवियों की उपस्थिति में पहली बार सुना रहा हूँ, तो आप अगर तालियां वालियां बजा के हिम्मत दे देंगे तो फिर मैं आगे भी सुनाऊंगा, और कुछ भी नहीं हो तो शीर्षक पे तो आप बजा ही देंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास और राहत साहब को समर्पित है, सुनिए साहब। रचना का शीर्षक है मन की बात। इसी शहर के शरद जोशी जी थे, वो प्रोज पढ़ते थे अंग्रेजी में, हिंदी में जिसको गद्य कहते हैं, उर्दू में नसर कहते हैं, बाकी सब आपको कविताएं शायरी सुनाएंगे, मैं अकेला आदमी गद्य पढ़ता हूँ। शरद जी के शहर के लोग किसी शब्द को कैसे उठाते हैं, मैं आपकी मोहब्बत चाहता हूँ, सुनिए साहब। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। तालियां कमजोर दिए। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं। अब आपकी फिर मोहब्बत मांगता हूं। यूं तो बात काम की हो या मन की, होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम।
असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है, जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। अब फिर आपकी व्यंग पर नजर जाए, मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों की बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर भटक कर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं, वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाए तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अच्छा अच्छा, अब ध्यान से सुन। वैसे सुनने वाले न मिले तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा है, अच्छा है, क्या मुहावरा। और अब मैं जो व्यंग कह रहा हूँ, एक भी हाथ खामोश न रहे, क्योंकि दीवारों भी कई कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। अच्छा है। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों, बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बचे है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है। समापन की ओर बढ़ता हूँ। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। और अब आपकी तालियां उठेंगी, मेरा दावा है आप रोक नहीं पाओगे। अच्छा। तुरंत नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं, वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है। रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता, वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अब मैं इस लेख का समापन कर रहा हूं, समापन पर तालियां बजा देना वरना इसी को फिर शुरू कर सकता हूं। क्योंकि मन की बात का कोई भरोसा नहीं है कब शुरू हो जाए। बड़ी मोहब्बत दी। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे
बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं, तो फिर आपकी अलग बात है।